कल थोड़ी बारिश में अंडरपास में एक आदमी पास पार कर रहे थे, देखो क्या कहेंगे। देखो दिल्ली में जो हालात खराब हुए दिल्ली के, मिस्टर केजरीवाल का ध्यान दिल्ली पे है नहीं, और अपने सभी जो चिंपू हैं सारे के सारे वो भी कहीं किसी स्टेट में, कोई कहीं स्टेट में भेज रखा है। दिल्ली से आप लोग चलें और दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, अंडर पास हो पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के में सीवर लाइन है, सीवर के मैन हॉल अगर बंद हो जाते हैं तो चार चार दिन तक ओवरफ्लो होते रहते हैं, पानी की लाइन टूट जाती है, उनको कोई केयर करने वाला नहीं है। इसीलिए केजरीवाल के कारण से आज दिल्ली जो नर्क बन रही है उसका जीता जागता उदाहरण है। अब क्या केजरीवाल उस परिवार के उस सदस्य को लौटा देगा? किसी ने अपनी बहन के ने भाई को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है। एक नौजवान जो रात बरसात के अंदर सीवर लाइन का मेन हॉल खुना होने के कारण से और पीडब्ल्यूडी की उस सड़क पर बार बार कहने के बाद भी पुल प्रहलादपुर के जो फ्लाईओवर के नीचे पानी भरता है, अब पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब कि उस परिवार का क्या होगा, और उस परिवार को आप क्या अब इस प्रकार का कोई ढांढस बनाने के लिए क्या घोषणा करने जा रहे हैं कि उस परिवार को कम से कम 20 लाख रुपये केजरीवाल आपको देने चाहिए? आपके कुकर्मों के कारण एक बेकसूर व्यक्ति की मौत हुई है। सर जिस तरीके से रात को 10 बजे कॉल हुई पुलिस को, पुलिस ने FIO और NDRF की टीम पहुंची, मगर दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी न PWD कोई नहीं पहुंचे, क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला ही कोई नहीं है। पहले वहां जो जल बोर्ड का चेयरपर्सन बना रखा था, वाइस चेयरमैन बना रखा था, वो पंजाब में लगा दिया जी, वो और MP बनने के ख्वाब लेकर बैठ गया जी, जो केवल बात ये करते हैं हम सेवा करने के लिए आए। फिर अब जब जल बोर्ड का जो वाइस चेयरमैन बना रखा है वो मुंडू बना रखा है केजरीवाल साहब ने कि झूठे आंकड़े लाइए और झूठे लोगों पर आरोप लगाइए, बाद में पुलिस या संस्थाएं या जिन पर आरोप लगाएं वो मीडिया में बैठे रहते हैं, वो जल बोर्ड के जो उपाध्यक्ष बना रखे हैं। तो इसलिए जल बोर्ड और ये सब लावारिस हो रहे हैं, उसके कारण से दिल्ली खामियाजा भुगत रही है। ये दिल्ली वाले भाइयों को भी समझना पड़ेगा। परिवार से आप क्या मिलेंगे, किस तरीके से? देखो मेरी इस परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, परमपिता परमेश्वर उस बेकसूर व्यक्ति की जो मौत हुई है बेचारे की अपने चरणों में स्थान दे, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और निश्चित रूप से परिवार की क्या हेल्प हो सकती है, परिवार की क्या लड़ाई होगी है, वो लड़ने का काम करेंगे। और मिलना तो आवश्यक बनता ही है कि जो बेकसूर एक सरकार की लापरवाही के कारण से एक व्यक्ति चला गया है, एक परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, तो ये तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन के साथ में, चेयरमैन केजरीवाल के खिलाफ इस बात के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उनके लापरवाही के कारण मौत हुई है। लगातार अंडरपास प्रहलादपुर में पानी जरा सा होते हैं, जमा हो जाते हैं, कई घटना हो चुके हैं, मगर फिर भी सरकार की नींद नहीं। देखो सरकार में केजरीवाल साहब में गैरत नाम की चीज़ है नहीं। याद करो जब वो 2015 में बनारस चुनाव लड़ने के लिए गए थे और हार के आए थे 2014 में मोदी जी के सामने, तब इस व्यक्ति ने ये कहा था मुझसे गलती हो गई 15 में, दिल्ली की जनता से कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं अब दिल्ली से बाहर नहीं जाऊँगा। हमें उसके दिल्ली से बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिल्ली को कौन संभालेगा, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? आप एक व्यक्तिवादी के रूप में सब कुछ अपने पास रखोगे, ना किसी मिनिस्टर्स की, ना किसी चेयरमैन की, ना अफसर की, किसी की कोई हैसियत ही नहीं है। एक तानाशाह के रूप में जिस प्रकार से वो सत्ता का दुरुपयोग केजरीवाल कर रहे हैं उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और केजरीवाल की वो क्लिप दिखाई जानी चाहिए जिसमें कहा मुझसे गलती होगी, मैं बनारस आ गया, अब मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये इमोशनल विक्टिम बनकर जो इमोशनल कार्ड खेलता है केजरीवाल, उसका लाभ ये गरीबों का उठा रहा है और गरीब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। क्या आपकी पुलिस के आला अधिकारी DCP या जॉइंट CP से बात हुई है इस मसले पर? नहीं नहीं, मेरी तो ना DCP ना जॉइंट CP उनसे उनका ये विषय नहीं बनता है ना जी, लेकिन लापरवाही के कारण ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मुकदमे में निश्चित रूप से दिल्ली का मुख्यमंत्री इसका दोषी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जल बोर्ड का जो भी वाइस चेयरमैन बना रखा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? संगम यार। क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है आप बता दें? अगर समथिंग मैं 9:15 बजे के आसपास आया था यहाँ पर, तो मुझे फरीदाबाद जाना था, फरीदाबाद मतलब सराय ख्वाजा, तो किसी काम से मुझे जाना था, तो मैं इसी रास्ते से होकर गुजर रहा था, यहाँ पर बारिश हुई थी 7:30-8 बजे के आसपास, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी 5:30-5 बजे, मतलब शाम को मौसम ख़राब था यहाँ पर। तो मैं 9 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा था, तो यहाँ पर रास्ता बंद कर रखा था, बहुत जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक था, मैं भी लेट हो रहा था, मुझे फरीदाबाद जाना था सराय ख्वाजा। तो यहाँ आके पता लगा कि कोई मतलब बंदा डूब गया है, और मैं यहाँ पर रुक के काफ़ी देर मतलब वेट किया मैंने शायद रास्ता खुल जाए, पर रास्ता खुला नहीं था। और फाइनली जब मैंने देखा कि दो बंदे वहाँ पर गोताखोर जो थे वो कोशिश कर रहे थे किसी को ढूंढने की,
तो जो आसपास में चश्मदीद थे उन्होंने मुझे बताया था कि भाई कोई बंदा था, वो शायद नशे में था, तो वो साइड से कोई रेलिंग टूटी हुई है वहाँ पर, साइड से कोई रेलिंग टूटी हुई है, तो वो साइड से घुसा और पानी में थोड़ा तैरता हुआ गया था, और वो तैरता हुआ गया तो साइड में एक बोर्ड है वहाँ पर शायद वो सीवर की खुदाई हो रही है, सफाई हो रही है, उसके बारे में मुझे ध्यान नहीं है, पर इतना मुझे पता था सीवर की वहाँ पर खुदाई हो रही है। तो वो वहाँ पर गया है और वो ऐसे मतलब तैरता हुआ गया, जो भी गया, वो फाइनली जब वहाँ बोर्ड के पास एक बोर्ड लगा हुआ वहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे मतलब पानी का जल भराव होता है तो आगे जाना बरसात की स्थिति में खतरा है, तो आप आगे ना बढ़ें। तो वहाँ पर जाके वो जो लड़का था, जो भी था, वो डूब गया जो भी था, वो दोबारा उसके बाद नज़र नहीं आया। और उसके बाद मैं कम से 1.5 घंटे तक मैंने स्टे किया यहाँ पर, मैं फाइनली यहाँ पर 10:15 के आसपास निकला यहाँ से, 9 बजे के बाद में 10:15 तक निकला। वो गोताखोर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की थी, दमकली गाड़ी मेरे सामने आई थी। अच्छा, फायर की गाड़ी भी? हाँ, दमकली गाड़ी मेरे सामने आई थी, उस समय बहुत पानी था, अब तो बिल्कुल पानी नहीं है, उस समय बहुत पानी था, शायद दमकली गाड़ी निकाला होगा पानी। तो उसके बाद ही वो जो लड़का था वो डूबा है, मरा है, जिंदा था, जो भी था, अभी मुझे पता लगा कि शायद वो लड़का मर गया है। तो जो भी था सर, यही है जो मैंने देखा। कहाँ का रहने वाला था, कोई जानकारी? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं जी, मैं तो देखो राह चलता मुसाफिर हूँ, मुझे फरीदाबाद जाना था किसी काम से, तो मैं रुक गया। अभी मैं फाइनली फरीदाबाद से काम खत्म करके जब वापस आया हूँ, तो मैंने देखा कि पूछने पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंसान जिंदा है, बच गया, क्या हुआ। विधायक जी, जिस तरीके से कल बारिश हुए अंडर पास में एक युवक की मौत हो गई है, जिसकी उम्र 40 से 45 बताई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़े दुख का विषय है, मैं भी उसका बड़ा दुख है कि एक जवान युवक की मौत हो गई है। मैं से दुर्भाग्य ही कहूँगा, क्योंकि इतना पानी अंडरपास में था ही नहीं जिससे आदमी की डूब के मौत हो सके। मैंने सुबह उठते ही, जैसे ही मुझे पता चला, मैंने लोगों से संपर्क किया, अपने अधिकारियों से संपर्क किया, मात्र 3 फुट पानी था अंडरपास में, और दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ तैनात थे, उन्होंने भी उसे रोकने की कोशिश की, मेरे PWD के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, और जैसे ही उससे रोकने की कोशिश की वो दौड़ के वहाँ गया है, अचानक वो गिरा है, गिरने के बाद वो उठा नहीं है, लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत किन कारणों से हुई है। अब जिस भी परिवार से वो था, भगवान उनको इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति दे। बाकी अभी 1 घंटे के बाद मैं वापस फिर दोबारा वहाँ जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये समस्या पर है कि 3 फुट के पानी में एक 5.5-6 फुट का आदमी डूब के मरा है, तो इसके कारणों का पता करना पड़ेगा। विधायक जी, जिस तरीके से कल रात को वो प्रहलाद उसे बदल कर जा रहा, इसी बीच में वो शायद तो सिल्वर का ढक्कन भी खुला हुआ था, उसमें जाकर NDRF की टीम उसको रेस्क्यू करके तो नहीं, वहाँ जहाँ ये गिरा है आदमी, जहाँ इसकी मौत हुई है, वहाँ सीवर लाइन ही नहीं है, सीवर लाइन इसके बिल्कुल अपोजिट में है, और वो भी तकरीबन 8 फुट की हाइट पे है, क्योंकि अंडरपास से ढला नवा वहाँ सीवर लाइन इसके अपोजिट में है, बिल्कुल वो भी 8 फुट के ऊपर हाइट पे पिलरों के ऊपर गई हुई है। तो आगे जो आप क्या करेंगे, इस परिवार से मिलेंगे या? नहीं, मैं बिल्कुल मिलूंगा, इस परिवार से मिलूंगा, बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ा हूँ उनकी इस दुख की घड़ी में। जिस तरीके से विपक्ष कर रहे हैं कि कई बार लगातार कांड हो चुका अंडरपास, मगर दिल्ली सरकार की नींद नहीं खुली। देखिए, इसमें हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका उद्घाटन अभी कंप्लीट हो जाएगा, वो 15 जून तक डेडलाइन है उसकी। इसमें अलग से एक योजना बनाई गई है, बड़े बड़े पंप वगैरह लगाए गए हैं, पूरी लाइन अब तक 3 फुट की पानी निकासी की एक लाइन चल रही थी, अब उसको बढ़ा के 5 कर दिया है, अभी 400 HP का एक पंप वहाँ संवेल करता है, अब 700 HP के 4 पंप एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं। हाँ, और जो विपक्ष की बात है, तो मेरा तो 2nd टाइम हुआ है अभी विधायक का, 3 ड्रम चौथी योजना है उनकी,
वो एमएलए रहे हैं यहाँ से, और अंडरपास के उस तरफ उनका भी एरिया है। एक बार पूछना, उन्होंने 20 साल में क्या किया है? 7 साल है मैंने ये योजना लिया है। मैं अच्छा विधायक जी, पहले 3 पंप होते थे, अब ज्यादा पंप लगा दिए हैं आप लोग क्या? पहले 2 पंप थे। अच्छा, अब 7 कर दिया है पंपों को। पहले 400 एचपी के पंप थे, अब उसको बढ़ा के जो एक्स्ट्रा पंप हम लगा रहे हैं 4, वो 700 एचपी के हैं अलग। पहले 2 लाइन थी, अब 7 लाइन कर दी हैं। पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है, जैसे ही 4 से 6 इंच पानी पुल में होगा, पूरा सिस्टम अपने आप ही ऑन हो जाएगा, किसी ऑपरेटर की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, अगर बारिश होते हैं, पानी जमा होते हैं, दिल्ली पुलिस तुरंत बैरिकेड भी तो लगा सकते हैं? दिल्ली पुलिस वहाँ थी, उस आदमी को रोकने की जो मुझे जानकारी मिली है, दिल्ली पुलिस वहाँ थी, पीडब्ल्यूडी के लिए लोग वहाँ थे, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की है।